मुंबई मनपा में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भाजपा द्वारा जागर मुंबई जाहिर सभा का आयोजन मुंबई के मालाबार हिल विधानसभा के गांव देवी शारदा विधा मंदिर में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में वहां की जनता मौजूद रही और उनके समक्ष कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने जनता को संबोधित करते हुए मनपा में हुए भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष रखा। उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड पर चुनाव लड़ती रही आज तक और इतने सालों से मुंबई को खत्म करने का काम किया है। अब मुंबई की जनता अपना हिसाब चुकाने के लिए बाहर आई है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दक्षिण मुंबई अध्यक्ष शरद चिंतनकर और सनी सनप ने क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। आपके सुनने पे क्या शुरू किया कि ये 25 साल से आप यहाँ पर शासन कर रहे हो, एक क्षेत्र भरोसा इमोशनल कार्ड के ऊपर हर बार चुनाव लड़ना, अरे अभी हमारा क्या होगा, मुंबई को अलग तोड़ देंगे, अरे देखो ये छगन भुजबल वगैरह सब मेरे को छोड़ के चले गए, राज ठाकरे अब मेरा क्या होगा, तुम तो मेरा साथ दो, अरे अभी अभी बाला साहब की डेथ हो गई, अब तो तुम ही सब मेरे हो, अब मेरा क्या होगा, और अभी नया नारा, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, ये मेरे को खत्म करने वाले हैं। अरे खत्म तो तुमने मुंबई को कर दिया, हम तुमको क्या खत्म करेंगे, अब तो मुंबई अपना हिसाब चुकाने को बाहर आई है, मुंबई अपना बदला चुकाने को बाहर आई है, और सारी दुनिया में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, मुंबई में क्या होगा, वो अलग चीज है। अपनी जिम्मेदारी क्या है, अपनी जिम्मेदारी है कि मलबार में इस बार 5 out of 5 मार्क लेके आए, भाइयों बहनों आपने काम पे लगा दिया, इसलिए इधर से उधर भागता रहता हूँ, और इसके बाद में 4 कार्यक्रम और अटेंड करने हैं, इसलिए आपको भी अभी आदत पड़ गई है कि मंगल जी आते हैं, भाषण ठोकते हैं, चले जाते हैं, पर काम से जाता हूँ, घर पे जाके जाकर मुंबई एक चुनाव का कार्यक्रम नहीं, एक जनता के मन का आंदोलन है। अभी जो इन्होंने अंदाजी ने जो विषय बताया, आज अभी एक महिला आयोग की बैठक थी, उनका लीगल एड का 7 दिन का प्रोग्राम था, तो वहां मैंने उनको ये कहा है कि ऐसी एक नहीं कम से कम 500 बच्चियां गायब हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, जिनकी शादी हो गई, पता नहीं अब कहाँ है। एक पहचान के परिवार की एक बच्ची थी, तो कोई कार्यकर्ता उसको जब पता लगा यहाँ पर है तो उसको मिलने को गया, तो उसने कहा ठीक है अभी आप आए हो पर मैं आपके साथ नहीं आऊँ, इसी में आपका भी भला है मेरा भी भला है। बोले क्यों, बोले मैं कह नहीं सकती कि मैं भी किस स्थिति में हूँ, आप कल खिड़की से नीचे जाके देख लो, खिड़की से नीचे जाके जो उसने जिस तरह से लोगों को खड़े देखा, उसके बाद वो अपना कार्यकर्ता भी वहां से निकल गया, बच्ची आंखों में आंसू बैठी, सच्ची घटना है। बच्ची एक बार चली जाती है और जाते समय इट्स माई लाइफ, मैं भी 18 साल की हो गई, जो मर्जियां करूंगी, तुम कौन होते रोकने वाले, पुलिस भी कुछ नहीं करती है, और जब शादी करके जाती है उसके बाद सामने वाले को भी पता पड़ जाता है कि इसके नो रिटर्न वाल में आ गई है, वापस जा नहीं सकती घर में, और इसके कारण ऐसी घटना है मुंबई में महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हो रही है। ये जागर मुंबई के अंदर एक विषय ये भी है कि जो तुष्टिकरण की राजनीति के तहत और जो एक पर्टिकुलर समाज के वोटों की राजनीति के तहत जिस तरह से सारा कुछ चल रहा है, उसके विरोध में जब तक अपने घर में आग नहीं लगे तब तक मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये सभी सोचने को लगेंगे, तो मुंबई का अफगानिस्तान बनते हुए देर नहीं लगेगा, कश्मीर बनते हुए देर नहीं लगेगा, नहीं हम उठेंगे, हम आवाज देंगे, ये जागर मुंबई उसी का एक हिस्सा है कि मुंबई के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, मुंबई की रक्षा हो। मुंबई में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से जातिवाद हुआ, जिस तरह से तुष्टिकरण हुआ, जिस तरह से मुंबई के अंदर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के मुंबई के अंदर नरक जैसी हालत कर दी गई है, एक सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप 1 किलोमीटर चल सको, एक रोड ऐसी नहीं है जहां पर की फुटपाथ के ऊपर 10 खड्डे नहीं हो, एक चौराहा ऐसा नहीं है जहां पर कि हर बरसात में पानी नहीं भरता हो, एक स्कूल ऐसी नहीं है जहां पर हम अपने बच्चों को पढ़ने को भेज सकते हैं डीएमसी स्कूल में। आज की जो सभा है वो सभा में हमारे मुंबई के अध्यक्ष माजी और अभी कार्य सम्राट महाराष्ट्र राज्य के मंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने हमारे को संबोधित किया। ये सभा में उन्होंने हम सभी और मुंबई के सभी नागरिकों को एक आह्वान किया कि इतने सालों में जो ये शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गट है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, आज 20 साल से महानगर पालिका में
हमारे सभी नागरिक मुंबई के उनको चुन के दे रहे हैं। आज मुंबई में उनके नेतृत्व में शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में महापौर बैठा जाता है, और देखेंगे तो कंटिन्यू भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार, कुछ भी काम नहीं। आज एक किलोमीटर तक बंदा अच्छे ठीक तरह से गाड़ी नहीं चला पाता है। आज आप गटर का भ्रष्टाचार देखो या कोविड में होने वाले भ्रष्टाचार देखो, हर एक जगह पे सिर्फ भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार से बाहर निकलने के लिए आज ये जो सभाएं पूरे मुंबई में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ले रहे, उसमें माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी वो सभी जगह पे अपना संबोध मार्गदर्शन करेंगे पूरे मुंबई के नागरिकों को। और ऐसी हर जगह में, हर जगह पूरे मुंबई में 36 के 36 विधानसभा में एक भव्य सभाएँ हो रही है। वही सभा, वैसे ही सभा आज यहाँ पर भी, आज शारदा मंदिर स्कूल जो मलबारी में है वहाँ पर भी हुई है। यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा, अभी जस्ट उन्होंने जागर मुंबई का इस कार्यक्रम, इस सभा में अपने जो मत थे शिवसेना और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में ये रखा है। अगला चुनाव ध्यान में रहते हुए भी उसकी संकल्पना उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने यहाँ के लोकल लोगों को दी है। जागर मुंबई का ये ऐसा एक है कि 2022 या 23 में अभी जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में मुंबई कर आप जागो। अभी बस हो गया, बहुत सोए हम लोग। 30 साल शिवसेना ने मराठी मतों के नाम पे जो राजकारण किया है, इसको कहाँ पर तो भी रोकना पड़ेगा। शिवसेना ने कोविड में जो अत्याचार किया है उसको रोकना पड़ेगा। आज इतना बड़ा घोटाला जो महानगर पालिका में हुआ है उसको रोकना पड़ेगा। आज जो बीजेपी के अपने कॉरपोरेटर्स है, उसके बाद में उनको अलग से रखा गया है, अपने लोगों को, अपने कॉरपोरेटर्स को फंड दिया गया है, उनके साथ बहुत बड़े तरीके से नाइंसाफी हुई है। क्योंकि एक नगर सेवक जो होता है वो अपने 25-30 हज़ार लोगों का एक कैप्टन होता है, अगर जब उसको फंड नहीं मिलता तो अपना काम नहीं कर पाता है। तो ये कम से कम इतने सालों से चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे घटनाएँ हैं जो शिवसेना ने करके रखी है, ये सब ख़त्म करने के लिए आज अपने मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, इन्होंने जागर मुंबई का करके ये सभा ली है। और इसमें मंगल प्रभात लोढ़ा जी कैबिनेट मिनिस्टर अपने यहाँ के वक्ता थे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बता दिया है कि ये जागर मुंबई का इसका मतलब क्या है। आज मैं मंगल जी के बारे में यही बोलूँगा कि आज प्रतापगढ़ में जो अफजल खान का शिवाजी महाराज ने वध किया था और उसका कोतड़ा बाहर निकाला था, ये जो संकल्पना वो जो कर रहे हैं वहाँ पर और उनके बड़ा स्टैचू बना रहे, आज इतने सालों में कभी किया नहीं है। और मैंने आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये जो एक पाठ्य पुस्तक में एक सब्जेक्ट हुआ करता था अफजल खान का, ये भी निकाला गया स्कूलों में। जब ये अफजल खान का कोतड़ा निकालते हुए शिवाजी महाराज को दिखाया जाता था चित्रकला में, वो चित्रकला के ऊपर बैन लाया गया है ना। हम हमारे देश में ही पराये हो गए, ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेगी। इसके ऊपर ये मंगल जी ने प्रतापगढ़ का जो अभी आपने सुना होगा कि जो बताया कि ये स्टैचू बनेगा और इसको बहुत सारी लाइट होगी, ये एक भव्य स्मारक बनने वाला है और ये देखने के लिए लोग आएंगे। ये कोई इतने सालों में कोई मंत्री ने और किसी ने किया नहीं, ये इतना बड़ा जो उन्होंने आज अपना कदम बढ़ाया है, इसके लिए हम सही में हम सब मलबार हिल के यहाँ से हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे विधायक जो यहाँ के हैं उन्होंने इतना बड़ा काम महाराष्ट्र में किया है।